हेलो ट्रेडर्स, मैं हूँ प्रशांत। आज फिर से हम लोग एक नए स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। सिंपल प्राइस एक्शन होगा, लेकिन थोड़ा सा एडवांस होगा। स्टॉक का नाम है HDFC। हम उसको 1 आवर टाइम फ्रेम में उसका एनालिसिस करेंगे। तो चलो देखते हैं उसका प्राइस एक्शन। एक मेरा क्लियर सप्लाई जोन है जो 2540 के आसपास आ रहा है। यहाँ से सप्लाई आ रहा है, यहाँ से सप्लाई आ रहा है, तो मुझे एक सप्लाई एरिया मिल गया। तो अभी अगर मैं बायर हूँ तो मैं यहाँ कहाँ पर बाई करूँगा इसको? तो मुझे सिर्फ एक डिमांड जोन निकालना है। तो डिमांड जोन के लिए क्या करेंगे? सिंपली यहाँ पर देखो, ये लाइन मैं यहाँ पर रख दूंगा तो मुझे क्लियरली विजिबल है ये जो एरिया है 2450। ये मेरा एक क्लियर डिमांड जोन दिख रहा है। अब ये लाइन में साइड में कर देते हैं। अब हम लोग कैंडलस्टिक्स पैटर्न का थोड़ा सा एक एनालिसिस करेंगे, सिंपल रहेगा। अब ये देखो 2450 के बाद ये कैंडल का अगर आप देखोगे तो जैसे ही ओपन हुआ है वैसे प्राइस ऊपर चले गया और ये सप्लाई से नीचे आया। फिर आप देखोगे सेम एरिया के पास ये दो हैमर कैंडल्स बनी है जो एक बुलिश साइन देता है। तो दोनों सेम डिमांड के पास बना है, इसका मतलब यहाँ पे और एक डिमांड है। फिर से स्टॉक यहाँ पर जाता है और यहाँ से सप्लाई लेके फिर से नीचे आता है। और आज जो प्राइस एक्शन बना है, आप ये देखोगे बड़ी एक हैमर कैंडल बनी हुई है यहाँ पर और एक उसके बाद एक फॉलो थ्रू कैंडल, इसका मतलब क्लियर विजिबल है ये एक मेरा डिमांड जोन है। तो हम लोग यहाँ पर बाई करेंगे। अभी स्मार्ट प्लेयर्स ने यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं, जिनको पता है डिमांड जोन और सप्लाई जोन, वो ऑलरेडी यहाँ पर फियरलेस ट्रेड ले लेते हैं इसका। और एक इसमें हम लोग और एडिशन करेंगे, सिर्फ एक प्राइस एक्शन के अलावा और उसमें अगर वॉल्यूम ऐड करके देखेंगे तो इससे पता चलेगा कि इस जोन का पावर कितना है, डिमांड का पावर कितना है। तो अगर मैं वॉल्यूम एनालिसिस यहाँ पर करूँगा तो अगर आप क्लियरली शो होगा कि आज जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है इस जोन में, आप देखोगे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस कैंडल पे जनरेट हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर स्मार्ट प्लेयर एक्टिव है, बड़े प्लेयर एक्टिव है। तो क्लियरली यहाँ पर हमें एक बाइंग जोन मिल चुका है। हमारी स्टॉप लॉस क्या होगा और इसका हम रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं वो सीखेंगे। अगर मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ कहीं पर भी, तो मेरा अगर मान लो मैंने यहाँ पर एंट्री की यहाँ पर, तो एक एवरेज एंट्री हम लोग यहाँ पर पकड़ेंगे। तो इसके नीचे अगर प्राइस क्लोज होती है तो हम लोग इस स्टॉक से निकल जाएगा। तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि यहाँ से ये जो डिमांड आ रहा था, अगर ये हैमर कैंडल को कोई एक रेड कैंडल क्लोज कर देती है, इसका मतलब डिमांड खत्म हो चुका है मार्केट में और हम लोग इस ट्रेंड से निकल जाएंगे। मतलब हमारा रिस्क कितना है? सिर्फ 1.5%। तो इतना इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं ये डिमांड जोन और ये हमारा रिस्क 1.5%। तो कितना आप, तो इस हिसाब से हम लोग कैपिटल एलोकेशन करेंगे। तो कैपिटल अगर आपका 1 लाख रुपीज़ का है, तो अगर 1.5% मेरा रिस्क है तो मेरा लॉस मुझे पता चल गया है कि 1500 मेरा लॉस होगा अगर मैं 1 लाख रुपीज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो एक चार्ट पैटर्न भी हम लोग देखेंगे तो उसके थ्रू हम लोग टारगेट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर क्लियरली देख पाओगे ना, तो ये एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ठीक है? तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं एक ट्रेड में आप कितना अर्ली एंट्री कर सकते हो, आपको इससे डिमांड से ही पता चलेगा। अब ब्रेकआउट प्लेयर जो एंट्री करते हैं वो इसके ऊपर एंट्री करते हैं। एक्चुअली ये फॉलो कब होगा, ये जो ट्रिपल बॉटम पैटर्न कब एक्चुअल में वैलिड होगा? जब यहाँ से ये जो नेक लाइन है यहाँ, इसके ऊपर अगर कोई बुलिश कैंडल क्लोज होती है तो इसके बाद स्टॉक ऊपर जाता है। लेकिन हम लोग अगर डिमांड जोन अगर हमें पता चल जाती है तो हम लोग यहाँ से एडिशनल क्वान्टिटी एड करके
निकल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, अगर हमारी एंट्री यहाँ पर है तो फर्स्ट टारगेट ये होगा, क्योंकि हमारा ये सप्लाई एरिया है, तो फर्स्ट टारगेट ये होगा। इसके बाद अगर प्राइस एक्शन बुलिश होगा तो हम इसको ट्रेल करेंगे, तो इसका टारगेट क्या होगा, अगर ये बुलिश पैटर्न, अगर डबल ट्रिपल बॉटम पैटर्न अगर एक्टिवेट होता है तो इस रेंज को हम लोग इसको सिर्फ इसके ऊपर प्लॉट कर देंगे। तो हमारे दो टारगेट मिल गए, ये अप्रॉक्सीमेटली 2640 के आसपास हमें ये टारगेट मिल रहा है। तो पहले हमारा जो टारगेट होगा वो ये रेजिस्टेंस होगा, और सेकेंड जो होगा इसके बाद अगर बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है तो ये सेकेंड हमारा टारगेट होगा। तो आप देख सकते हो कितना स्विंग ट्रेड हमें मिल रहा है इतने छोटे से रिस्क से, रिस्क लेके 1.5% का सिर्फ रिस्क है और हमें टारगेट बड़े मिल रहे हैं। मतलब अगर मैं इसको यहाँ तक भी होल्ड करता हूँ तो मुझे 3.5%, इसके ऊपर जाता हूँ तो 3.5%, तो ऑलमोस्ट 7% आपका रिवॉर्ड मिल रहा है इस, अगर इस प्राइस एक्शन के थ्रू अगर आप बाई करते हो तो। इतना बेसिक सिंपल और थोड़ा सा एडवांस एनालिसिस हम लोगों ने आज किया है। तो नए ट्रेड्स हो गए तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, मेरी व्यूज़ आपको शेयर करते रहूँगा ताकि उसमें से आप कुछ सीख सको। थैंक यू।